ले जी, आज हम आ गए हैं अखलाक भाई कबाब पराठा पे समनाबाद में, और यहाँ पे हर कोई एडवर्टाइज कर रहा है पराठा। तो मुझे लगता है यहाँ पे स्पेशलिटी जो है वो इन लोगों की, यहाँ पे कोई पराठे शराठे हैं, यहाँ पे तिक्के लग रहे हैं। ये उनकी वर्कशॉप है पीछे। और ये क्या है, ये पराठे हैं क्या? ये पूरी पराठे हैं, पूरी पराठे। ये इनका सारा सामान लग रहा है यहाँ पे, क्या देखें आप, नान शॉप है पीछे और ऊपर सारी सिटिंग है। ये देखें जी, ये इनकी देखें कैटरिंग शेटरिंग करते होंगे, वहाँ पे नान लग रहे हैं। ये खमीरी रोटी और खमीरी रोटी लग रही है, ये सादी रोटी लग रही है, सादी रोटी लग रही है। क्या बना रहे हैं? पराठा रोल। पराठा रोल ये देखें जी, पराठा रोल बन रहा है। और ये क्या है, खमीरी बोटी है? नहीं, ये है वो पूरी पराठा। पूरी पराठा, पूरी पराठा, वो देखो फिश है, फिश है, सारी ये कबाब है, ये भी फिश है, वो सारा लाई बोटी, टिक्का बोटी, कबाब। ये देखो किस तरह इन्होंने जो है वो रखी हुई है। ये इनका पूरा जो है वो डाइनिंग एरिया है, रश नीचे ही है, यहाँ पे फैमिली आराम से यहाँ पे बैठ सकती है। ये देखें आतिफ साहब बैठ गए, इन्होंने खाने का ऑर्डर पहले से दे दिया था, इनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इन्होंने खाने का ऑर्डर दे चुके हैं। ये जी आप रूफ टॉप से व्यू चेक करें आप, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पराठों का शोर है, पराठों का रश है। ये जी ये हमारी कढ़ाई आ गई है, वाइट कढ़ाई है, ये काली मिर्च कढ़ाई है, वाजिब। ये जी बिहारी पीस भी आ गए और हमने कढ़ाई शुरू कर दी खाना। ये देखें जी, ये फिश फिंगर फिश है, वाह, बोनलेस, वेरी नाइस, बोनलेस, वेरी नाइस। वो कबाब आ गए और ये कबाब भी आ गए, वेरी नाइस। और ये नान भी आ गए, पराठा रोल भी आ गया। अखलाक भाई के साथ बैठे हैं, अखलाक भाई कबाब पराठा, और जो है मैंने इनकी कढ़ाई खाई है, कमाल कढ़ाई है। आप पहले अपनी कढ़ाई के बारे में बताएं, ये इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई कैसे कैसे बनाई है आपने? हम अपने मसाला क्या था हमने तैयार किए हैं, ये जैसे मसूम कढ़ाई गोश्त मसाला हमारा अपना तैयार करता है, बाकी चूज है तो उतनी मसाला ज़्यादा ना, एक तो हमारे प्योरिटी पे हमारा ही अनुसार है कि हम प्योर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खुद पसवाते हैं, बाज़ार से कोई पीसी पसाई चीज़ नहीं लेते, हमारा अपना फार्मूला। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो मैंने सारी चीज़ें ट्राई की हैं, उसमें जो एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है आपका ये बिहारी चिकन बिहारी, वो हो ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। इसके जो है ना, हम इसे ना कुछ तकरीबन ट्रिपल तीन दफ़ा ना इसे हम मसाला इसे जो है ना, ये इसका जो है मसा इसे तीन दफ़ा हम ना निकालते हैं, वाह, प्रोसेस इसका तीन दफ़ा होता है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी, तो फिर ये जो है ना ये तैयार होता है, और माशाल्लाह इसका ना टेस्ट जो है ना डिफरेंस है दूसरी चीज़ों से, मतलब इस पर मेहनत भी है माशाल्लाह। और एक जो मैंने बहुत ही यूनिक किस्म की डिश ट्राई की है आपकी, वो है आपके चिकन विंग्स। हर कोई, हाँ हर कोई उसको चिकन विंग बोलता है, लेकिन आप बोलते हैं उसको चिकन नेबलेट, और वो विंग्स थे स्किन के साथ जी, जी। वो भी बहुत यूनिक है, वो भी आपकी अपनी रेसिपी है। बिल्कुल जी, मसाला जो है ना ये टोटल रेसिपी जो है ना वो हमारी अपनी है, और ये नहीं कि कोई माशाल्लाह ये खुद ही एक्सपेरिमेंट की है इनके हमने माशाल्लाह। और यहाँ पर यहाँ तक अल्लाह ताला का करम है कि हमें पहुँचा दिया।
ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है ये समनाबाद एरिया, और यहाँ पे आप माशाल्लाह आपकी 13 साल से ये शॉप है, 13-14 साल। और इससे पहले मेरा ये जो बेसिक है ना वो हम ये रेसिपी पे समझ लें करते रहे एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जब अल्लाह ताला ने माशाल्लाह क्लियर हो गई फिर हमने ये बारबेक्यू स्टार्ट किया। चलो माशाल्लाह बहुत शुक्रिया बेहतरीन खाने का, और अल्लाह पाक आपके कारोबार में और बरकत डाले। आमीन, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।